मध्य प्रदेश के कटनी जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पटवारी रिश्वत की रकम मुंह में डालकर चबा गया। बताया जा रहा है कि पटवारी को लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद उसने खुद को बचाने की कोशिश की और रिश्वत की रकम को मुंह में चबा कर निकल गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ग्राम बिलहरी हल्का में पदस्थ पटवारी गजेंद्र सिंह ने जमीन के एक मामले में फरियादी चंदन सिंह लोधी से 5,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। चंदन सिंह लोधी ने इसकी शिकायत लोकायुक्त जबलपुर से की। इसके बाद लोकायुक्त की टीम मौके पर पहुंची और पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पटवारी गजेंद्र सिंह ने रिश्वत में मिले 500 के 9 नोटों को मुंह में डालकर चबा गया। इस दौरान लोकायुक्त की 7 सदस्यों की टीम ने नोटों को निकलवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने मुंह से रुपए नहीं निकाले तो उसे जिला चिकित्सालय ले जाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद पटवारी गजेंद्र सिंह ने रिश्वत के चबे नोटों को निकाला। इस घटना के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। लोकायुक्त टीम का नेतृत्व कर रहे कमल सिंह उइके का कहना है कि शिकायतकर्ता चंदन लोधी की शिकायत पर दबिश देकर रिश्वतखोर पटवारी गजेंद्र सिंह को 5,000 के साथ पकड़ा गया था, लेकिन वो टीम को देखकर नोट खा गया। हालांकि टीम के पास वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ दूसरे सबूत भी हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी गजेंद्र सिंह पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक्शन लिया जा रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।